हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं लेकर आई हूँ एक कुकिंग वीडियो। मैंने पिछले साल भी क्रिसमस के पहले ओरियो का केक बनाया था। सो ये साल भी मैंने सोचा कि क्रिसमस के एक दिन पहले आप लोग को हॉट चॉकलेट कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोग को सिखाऊँ। बहुत लोग को नहीं पता है कि इसकी रियल रेसिपी कैसी होती है। आई वॉज लाइक कि यार बहुत लोग ये टाइम पे हॉट चॉकलेट पीना चाहते हैं, इतने कोल्ड में हॉट चॉकलेट मिल जाए मज़ा आ जाएगा। सो मैंने सोचा कि चलो आप लोग इसकी रेसिपी बताएं। तो इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हॉट चॉकलेट की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम गैस को चालू करेंगे और एक छोटा सा बाउल रखेंगे। आई नो ये छोटा नहीं बड़ा है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही था तो मैंने इसको लिया है। और इसमें मैं 1/2 कप से ज़्यादा दूध डालूँगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा स्टर करूँगी, थोड़ा मिलाऊँगी उसको, वो नीचे स्टिक ना हो। आई डोंट नो वाई मैं उसको ऐसे ही मिलाती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें कोको पाउडर डालूँगी। कोको पाउडर आप देख सकते हो कि मैंने कितना लिया है, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, मैं अपने हिसाब से बनाई हूँ। आई थिंक ये एक छोटा सा कप आता है, उससे थोड़ा ज़्यादा बना है और आप देख सकते हो मेजरमेंट इतना हुआ है। फिर उसके बाद मैंने नेस्कैफ़े की कॉफ़ी ली है। नेस्कैफ़े की कॉफ़ी में मैंने आप देख सकते हो कैसे लिया हुआ है, अपने मन से ही मैंने डाल दिया है इसको। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट ये है कि कॉफ़ी जो बनी थी बहुत टेस्टी बनी थी। जो हॉट चॉकलेट थी काफ़ी टेस्टी बनी थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, जो कॉर्नस्टार रहता है, जो रहते हैं मैदा या फिर कुछ भी, मैदा को मैंने पानी के अंदर मिक्स करके उसको एक थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में बना के उसको मिक्स करके डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर डाला है। आप चाहो तो शुगर को पीस के भी डाल सकते हो। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया क्योंकि उसको वैसे भी मिलाने के लिए 5-10 मिनट्स लगते ही है उसको पूरा मिलाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है डेयरी मिल्क का चॉकलेट। 2 मैंने लिया था 5-5 रुपीज़ का, क्योंकि मेरे को इसमें ज़्यादा इतना मीठा नहीं बनाना था। और ये 2 चॉकलेट 1 कप के हिसाब से बेस्ट थे, इतने ही बराबर होते हैं। इससे ज़्यादा डालोगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। सो इतना ही लेना अगर आप 1 कप बना रहे हो तो। ये मेरी भाभी का उंगली है, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मेरी भाभी शूट कर रही थी। थैंक यू सो मच भाभी फॉर हेल्पिंग मी। और ये जो हॉट चॉकलेट है ये बहुत टेस्टी बना है, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना। और हमें इसको एटलीस्ट 8 मिनट्स तक तो हमें इसको मिलाते ही रहना है। और अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप मैदा और पानी को भी मिक्स करके डाल सकते हो, जिस वजह से ये थोड़ा थिक बनता है। आप चाहो, ये ऑप्शनल है गाइज़, अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे को थोड़ा चॉकलेट ही चाहिए था तो मैंने किया। आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो जिनको मीठा नहीं पसंद है, बट आई लाइक चॉकलेट बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा ये बन गया है। इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि जो चॉकलेट था इसके अंदर वो काफ़ी चिपक रहा था नीचे। सो हमें इसको बार बार कंटिन्यू मिक्स करना है। और जो गैस का फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है। फास्ट रखोगे तो ये पूरा ऊपर से ऐसा जलने लगेगा। सो जितना हो सके उतना स्लो ही रखोगे और उसको कंटिन्यूसली मिलाते रहोगे तो अच्छा होगा। सो आप देख सकते हो कि ये बन चुका है। हाय कितना क्यूट लग रहा है। हर लड़की का लैंग्वेज होता है क्यूट। और इतना टेस्टी दिख रहा है ना, मुँह में पानी आ रहा है। देख सकते हो कितना टेस्टी बना है ये। सो आई होप आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी अभी तक। और ये बहुत ईजी है, ये मेरा वे है बनाने का चॉकलेट, हॉट चॉकलेट का। तो काफ़ी टेस्टी बनी है और आप भी बनाइए। और प्लीज़ 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 और इस चॉकलेट रेसिपी को जितना से जितना फैमिली और फ्रेंड्स लोग से शेयर करना। और ये था मेरा थोड़ा सा सिनेमैटिक शूट। सो मेरे को लगा चलो यार थोड़ा ये भी कर लेते हैं, क्योंकि हॉट चॉकलेट किसको नहीं पसंद आता विंटर्स में। आप लोगों को पता ही है, विंटर्स में क्रिसमस में हम हॉट चॉकलेट बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सो ये था मेरा सिनेमैटिक शूट। बस हो गया, ज़्यादा पका रही हूँ सिनेमैटिक शूट से। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये हॉट चॉकलेट बनके रेडी हो चुका है। और ये हॉट चॉकलेट अभी मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कैसा बना है। इतना टेस्टी है। और जो कॉफ़ी हमने डाला है, वो जो ऐड किया है उसका टेस्ट अलग से आ रहा है और जो चॉकलेट है उसका टेस्ट अलग से आ रहा है। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना। और मैरी क्रिसमस मेरी फैमिली की तरफ से। और प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स और सबको टेस्ट करवाना। फिलहाल के लिए मैं खत्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं इसको खत्म करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।